हेलो डियर स्टूडेंट कैसे है आप लोग तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर टू और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएशन किस तरह यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का और टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स

विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई स्क्ल टू क्या गिवेन है साइन एक्स तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स देन स्क्ल टू क्या आएगा हमारा कॉस एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है नेक्स्ट हमारा क्या वाई स्क्वल टू कॉस एक्स क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे कॉस एक्स रखेंगे देन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है वाई स्क्वल टू सेक्स एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dy वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे sec x रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx एक्स देन हमारा आंसर क्या आएगा sec x आएगा क्लियर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या वाई इजकल टू टेन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dy वाई बाई डी देन वाई की जगह पे हम रखेंगे tan x और यहाँ पे dx एक्स देन इसका आंसर क्या होगा फॉर्मूला क्या, हो? क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्ल टू कॉट एक्स का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स डी कॉट बाई डी एक्स स्क्ल टू माइनस कॉस सेक्स स्क्वायर एक्स एक बार और देख ले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉट सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर सपोज कर लो साइनस के जगह पे थीटा दिया रहा आप थीटा देन आपका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्लियर अगर टी रहे तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहां पे इसका डिफरेंस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्ल टू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा सॉरी यहाँ पे थीटा होगा कॉस थीटा होगा क्लियर ये टर्म को समझना है किसके रिस्पेक्ट में है ओके okay, आपके क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टर्म में आएगा एक्स की जगह पे यहाँ पे कभी थीटा रहेगा कभी टी रहेगा कभी एस रहेगा कभी डेल्टा रहेगा कोई भी टर्म हो सकता है तो आपको हमेशा होशियार रहना है ओके नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला है वाई स्कल टू कॉस एक्स वाई स्कल टू कॉस एक्स तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स नेक्स्ट क्या हमारा वाई स्कल टू ई एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर जगह यूज आने वाला है और काफ़ी आसान है ये वाई इसकल टू ई एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज्कल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाई रिस्पेक्ट टू डी एक्स वाई के जगह पे हमने क्या रखा ई e एक्स रखा देन क्या होगा ऑनलाइन ई एक्स ही डाल जाएगा इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा ध्यान देने की बात है नेक्स्ट हमारा क्या है वाई इसकल टू ए एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे ए एक्स तो हमारा आंसर क्या आएगा ए एक्स फॉर्मूला क्या है ए एक्स इन टू ए नेक्स्ट क्या? क्या है वाई इसकल टू लॉग एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स इज्कल टू वन बाय एक्स एक बार और देख लो कॉस एक्स का कॉसक एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स अगर e थीटा रहेगा तो e थीटा, अगर e पे पावर t रहेगा तो e t, अगर e पे पावर y रहेगा तो e y होगा, ध्यान देने की बात है नेक्स्ट क्या है y तो a x का x के पावर एक्स इन टू लॉग एक्ल टू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आपका वाई इजकल टू यू प्लस बी यहाँ पे टू डिफरेंट वेरिएबल दिया हुआ यू और v वेयर आपका यू क्या है यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू आपका फंक्शन ऑफ एक्स सपोज कर लो और वी क्या है आपका फंक्शन ऑफ जी एक्स ओके अगर और भी टर्म रहे यहाँ पे और भी टर्म रहे तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहेगा तो इसका डिफरेंशिएसन कैसे करना काफ़ी आसान है इंडिविजुअल यू का हम इंडिविजुअल डिफ्रेंशियस करेंगे

और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इंडिविजुअल हमने डिफ्रेंशिएट किया ओके okay. अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अदर जो भी जो भी आपका फॉर्मूला है वन टू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट यूज होगा ये सब आपका डायरेक्ट यूज होगा ये भी आपका डायरेक्ट यूज होगा फाइव ये, ये आपका सिक्स नंबर ये सेवन डायरेक्ट यूज होने वाला ये एट ये नाइन ओके okay. अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन गिवेन है फाइन डेरीवेटिव विध रिस्पेक्ट टू टी ध्यान देने की बात है विथ रिस्पेक्ट टू टी ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में तो टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आप लिखोगे dy वाई बाई क्लियर अब y के जगह पे आप लिख दोगे ये वाली टर्म जो y गिवेन है क्या गिवेन है टी क्यू माइनस टू टी पे पावर फाइव क्लियर अब इसे हम इंडिविजुअल करेंगे अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे t क्यूब का फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे देन माइनस टू टी फाइव का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टू को कॉमन ले ली क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है अब यहाँ से आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे क्या होगा dy वाई बाई डी टी टू टी क्यूब का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे t होगा और थ्री माइनस वन क्योंकि आपको पता है एक्स एन का डिफ्रेंसियट क्या होता है एक्स पे तु तु दी पावर एन का डिफरेंस एन एक्स टू दावर एन माइनस वन इसी पे इसे तोड़ रहे हैं हम ब्रेक कर रहे हैं देन यहां पे क्या होगा माइनस टू टी टू दावर क्या होगा फाइव माइनस वन क्लियर अब एक स्टेप और हम आगे लिखेंगे क्या होगा थ्री 2 इस ये माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर रह जाएगा और 2 3 टी यहाँ पे 4 हो जाएगा तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया डिफरेंशिएट नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम मेक डिफरेंशिएशन इसे करना है तो क्या होगा काफी आसान है इसे हम dy dx लिखेंगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y की जगह पे क्या लिखाएगा y के जगह पे ये सारा टर्म एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्लियर नाउ सबको इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करेंगे इंडिविजुअल डिफ्रेंश करेंगे एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम इसे बाहर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट है तो हम इसे बाहर लिख लेंगे डी एक्स बाय डी एक्स नाउ डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा इस फॉर्मूला पे हमको ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा क्योंकि इस पर पावर वन है और वन वन पे पावर जब रहेगा इस सॉरी एक्स पे पावर वन है ओके और वन माइनस वन करोगे तो क्या होगा जीरो होगा और एक्स टू दावर जीरो क्या होता है आपका वन होता है क्लियर ऐसे करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ इस पे पावर वन था तो यहाँ पे आया और x वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो और जीरो पे किसी भी चीज़ पे जीरो पावर होता है तो क्या होता है वन होता है ओके किसी भी नंबर या किसी भी टर्म पे अगर पावर आपका जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होगा वन आएगा क्लियर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर क्लियर ये आपका आंसर हो गया तो आप लोग डी स्टूडेंट यहाँ तक लिख ले नेक्स्ट हम और बता नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वाई इज कल टू यू भी प्रोडक्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये हर जगह यूज आएगा जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्या है डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ध्यान से देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमारे पास दो फंक्शन है यू है और वी है टू डिफरेंट फंक्शन आप एफ एक्स सपोज कर लो और वी को जी एक्स सपोज कर लो क्लियर तो इसका फॉर्मूला जो होगा हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के जगह पे लिखेंगे यू डॉट बी okay, ओके अब इसका फॉर्मूला जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली फंक्शन u को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे और सेकेंड वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में अगेन अब तो इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया जिसका डिफ्रेंशिएट कर लिया उसे हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट रखेंगे अब जिस टर्म का जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएसन नहीं किया उसका डिफ्रेंशिएसन करेंगे आप दोनों को वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप यहाँ पे v कॉन्स्टेंट लिखो और u का कर लो आप यहाँ पे u लिखो और v का कर लो ऐसे भी कर सकते हो क्लियर तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लो अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई इजकल टू एक्स डॉट ई एक्स सपोज कर लो एक्स आपका यू फंक्शन है और ई एक्स आपका वी फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्ट डिफ्रेंशिएट करना है देन हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स काफ़ी आसान है डी वाई बाई डी एक्स वाई के जगह पे क्या लिखोगे वाई के जगह पे क्या लिखोगे एक्स डॉट ई एक्स अब इस फॉर्मूला को सॉरी इस क्वेश्चन को जो टर्म है इसे इस फॉर्मूला पे हम ब्रेक करेंगे काफ़ी आसान है देखो यहाँ पे लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम x टर्म को हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया और ई एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, में प्लस लिखेंगे ई एक्स का तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया जिसका डिफ्रेंशिएट अभी कर लिया यहाँ पे तो उसे क्या करेंगे हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे यहाँ पे और जिसका डिफ्रेंशिएट जिस टर्म का जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट नहीं किया है उसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे काफ़ी आसान है इसे याद करना क्लियर नाउ हम लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स यहाँ पे स्कल टू एक्स इन टू ई एक्स का अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या होता है डिफ्रेंशिएट ई ए एक्स होता है अगर ई टी रहता तो क्या होता है ई टी का डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे ई टी लिखते हैं ओके बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है ई एक्स आपका कॉन्टेंट है यहाँ पे लिखेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे इस तरह हम लिख देते हैं वन माइनस वन होगा क्लियर तो आगे हम लिखेंगे x इंटू ई एक्स प्लस ई पे पावर x और x पे पावर जीरो क्या हो जाता है x पे पावर जीरो टर्म आपका वन हो जाएगा तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस ई एक्स क्लियर यहाँ से आप ई एक्स कॉमन भी ले सकते हो सेकेंड हमारा क्या क्वेश्चन है वाई इज्कल टू टी इंटू साइन टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी अब देखो यहाँ पे टर्म देखो टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसे आप सपोज कर लो यू फंक्शन इसे सपोज कर लो वी फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बोलो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्लियर वाई के जगह पे हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे टी इंटू साइन टी क्लियर अब यू वी के फॉर्म में आ गया तो हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे आसानी से बन जाएगा अगेन हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो टी को हम कॉन्स्टेंट लिया साइन टी का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे साइन टी बाई डी टी प्लस अब साइन टी का डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो यहाँ पे साइन टी बाहर लिखेंगे और डी जिसका डिफ्रेंशिएट नहीं किया वो यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा डी बाई टी देन डी वाई बाई डी टी स्कल टू आपका हो जाएगा टी साइन टी का डिफ्रेंशिएट कॉस्ट टी थोड़ी देर पहले बताया देन यहाँ पे लिखेंगे साइन टी और डी बाई डी टी बाई डी टी क्या होगा वन हो जाएगा अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया ना डी एक्स बाय डी एक्स किस फार्मूला पे फाइंड कर दो आप इस फॉर्मूला पे फाइंड कर दो एक्स पे पावर एन एन इन टू एक्स एन माइनस वन इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स याद है ये फार्मूला इस फॉर्मूला पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा क्लियर ना हमारा फाइनली डी वाई बाई डी टी यहाँ पे हम लिखी देते हैं वन माइनस वन टी कॉस टी प्लस साइन टी क्लियर ये आपका फाइनल आंसर हुआ नाउ नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है वाइस कल टू यू बाई वी ये थोड़ा सा टफ है फॉर्मूला इसका टफ है बट काफ़ी आसान है अब ध्यान से सिर्फ यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है ओनली आपको वन सेकेंड टू फाइव सेकेंड तक ध्यान से देखो आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियर और मेमोराइज भी हो जाएगा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो y कल टू यू बाई वी डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में dy वाई बाई डी एक्स वाई के जगह पे क्या लिखोगे u बाई वी यू बाई वी देन अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नीचे वाले टर्म है इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे पहले क्या करना है इसका ब्रैकेट डाल के स्क्वायर कर दोगे ओके देन नेक्स्ट क्या करेंगे v जो नीचे वाले टर्म है इसे हम कॉन्स्टेंट करेंगे सेम 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 रूल यहाँ पे भी लगा रहे हैं v को कॉन्स्टेंट करके u का डिफ्रेंशिएट माइनस पहले देखो नीचे वाले का हम कॉन्स्टेंट किया और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट अगेन माइनस ऊपर वाले को u को कांस्टेंट और v को हमने डिफ्रेंशिएट किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है ओके आप न्यूनेटर और ड्यमनेटर के रूप में भी इसे बना सकते हो अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आपको क्लियर हो जाएगा हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स ओके तो वाई के जगह पे हमें क्या लिखना है बताओ फोर एक्स प्लस फोर टू एक्स प्लस टू

तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स प्लस टू और डिफ्रेंशिएट किसका करना है फोर एक्स का किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा हो रहा है ध्यान से देखना फोर एक्स प्लस फोर हम बोले जा रहे हैं क्लियर बोल के हम लिख रहे हैं अगेन अब किसका लिखोगे इस इसे तो कॉन्स्टैंट कर लिया वी को अब यू को कॉन्स्टेंट कर देना तो हम यहाँ पे यू को कॉन्स्टेंट करेंगे फोर एक्स प्लस फोर को कॉन्स्टेंट किया और डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे जो आपका लेफ्ट रह गया क्या रहेगी आपका 2x एक्स प्लस टू तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2x एक्स प्लस टू क्लियर नौ इसको हम यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं इत, इधर आ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है ऐसे कर देते हैं यहीं पे यहाँ पे क्या रह जाएगा नीचे 2x एक्स प्लस का हॉल स्क्वायर और 2x जो कांस्टेंट हम एट एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा फोर एक्स प्लस फोर इंडिविजुअल अभी बताया था ना इंडिविजुअल करना है तो फोर एक्स का क्या होगा है डिफ्रेंसिएशन ऑनली फोर एक्स रह जाएगा और फोर कॉन्स्टेंट टर्म है कॉन्स्टेंट का हमने बताया था लास्ट लेक्चर में याद होगा कॉन्टैंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जीरो हो जाता है क्यों जीरो हो जाता है क्योंकि एक्स में आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है जीरो होता है जीरो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिजल्ट डिफ्रेंसिएशन का क्या आया जीरो आया तो कॉन्स्टेंट भी क्या होगा जीरो होगा कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा माइनस अब यहाँ पे क्या है फोर एक्स प्लस फोर क्लियर टू एक्स प्लस टू टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन टू हो जाएगा अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा क्लियर तो यहाँ तक लिख ले नेक्स्ट हम और बताने वाले हैं इसे नोट कर ले रेडी वन टू थ्री